जंग लड़ो बेईमानों से, भारत बंद भारत बंद भारत बंद, निकलो बहुत मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बहुत मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, दलित हक की लड़ाई है, भारत ने देखो ताई है, दलित हक की लड़ाई है, भारत ने देखो ताई है, आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है, आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है, दिनांक 21 अगस्त सुबह 10:30 बजे। एक भी गाड़ी ज्यादा नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि पुत्र जस्टिस पंकज मिथल और पूर्व राज्यपाल आर एस गवई के पुत्र जस्टिस बी आर गवई का मानना है कि आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद वालों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ के पुत्र चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का फैसला है कि आरक्षण का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेकर एससी एसटी की एक पीढ़ी धनवान और सक्षम बन गई है। इन सभी के कहने का मतलब ये है कि जो लाभ पिता को मिला वो लाभ पुत्र को ना दिया जाए, और ऐसे आदेश देने वाले स्वयं कोलेजियम सिस्टम का लाभ ले चुकी अपनी पहली पीढ़ी यानी पिता दादा या उनके मित्रों के हेलो बिना परीक्षा के इन पदों पर पहुंचे हैं। जितने भी साथीगण है, सेफ एम्बुलेंस आपातकालीन वाहन को ही जाने दें, और जो मरीज है उन लोग को ही जाने दिया जाए, अन्यथा बहाना मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं और हम ही लोग को नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, ये चीज भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप लोग बारीकी से देखते रहिए और अपना कर्तव्य को निभाइए। हमारे जितने भी साथीगण हैं, जगह जगह पर अपना कर्तव्य करें, और यहाँ देखिए टेम्पो वाला जा रहा, देखिए इनको क्या है, देखिए तो देखिए क्या मरीज है उसपे, क्या ठीक है मरीज है तो जाने दिया जाए, शांतिपूर्वक जाने दिया जाए। जाने दीजिए मलेरो वाला को, उसमें है पीड़ित है, उसमें लग रहा है तो भाइयों साथियों आग्रह भी है कि शांतिपूर्वक उसको जाने को दे दिया जाए। शिक्षा संस्थानों से लेकर न्यायिक संस्थानों और जब हम लोग को लग रहा है कि भाई उसको जाने दिया जाए तो उनको जाने दे दिया जाए, क्योंकि मानवता को भी थोड़ा सा देखते चलना है। चाहे कितनी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए उसे भेदभाव और छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ही क्या, राष्ट्रपति तक के छू जाने से मंदिर और मकान धुलवा लिए जाते हैं, यानी जब तक जातियां हैं तब तक भेदभाव भी रहेगा, और जब तक भेदभाव है तब तक जातिगत संवैधानिक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। इस वर्ग का इंसान चाहे कितनी भी दौलत हासिल कर ले, उसके साथ जातिगत व्यवहार नहीं बदलता। ऐसे में कैसा क्रीमी लेयर, कौन सा क्रीमी लेयर? ओबीसी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की शर्त डालकर ओबीसी आरक्षण को लगभग शून्य कर दिया गया है। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग के